हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा। यह सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए हम सत्तू का पराठा की रेसिपी हम देखते हैं। सबसे पहले इतना हमने सत्तू का आटा ले लिया है। अब इसमें हम 3 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 नींबू ले लिए हैं। प्याज को हम छील के काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हरी मिर्च को इन टुकड़ों में हमने काट लिए हैं। अब प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। अब सत्तू का आटा में हम मिला देंगे। अब इसमें हम आधा नींबू का टुकड़ा का रस हम मिला देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं नींबू का रस, ज़्यादा आपको खट्टा पसंद हो तो। मैंने यहाँ पे हाफ नींबू लिए हैं। अब इन सभी मिश्रण को अच्छी तरह हम मिलाएंगे। अब इसमें हम काला नमक डालेंगे। काला नमक से इसे बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब हमने गरम मसाला पाउडर रख दिए हैं। मसाला ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप स्पाइसी के लिए लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं या हरी मिर्च। काला नमक हम इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें सत्तू के पराठा में बहुत टेस्ट बढ़ जाता है इसको, काला नमक को डालने से। सभी मिश्रण को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। आप चाहे तो लहसुन भी मिला सकते हैं छोटे टुकड़ों में काट के। मैंने यहाँ पे लहसुन नहीं मिलाया है। आटा हमने इतना ले लिए हैं जितना हमने बनाना है, इतना आटा ले लिए है। अजवाइन मंगरैल क्रश करके आटा में हम रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, आटा को हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी रख के गूंद लेंगे आटा को। ये देखिए दोस्तों, आटा बस गूंदने वाला है। इसको अच्छी तरह हम मिला लेंगे ताकि ये सॉफ्ट आटा बने। ये देखिए दोस्तों, हमने आटा गूंद लिया है। अब इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। सत्तू का आटा हमने इतना मिक्स करके रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, आटा सॉफ्ट हो चुका है ढकने के बाद। अब इसका हम छोटे टुकड़ों में काट के इस तरह गोल आकार दे देंगे।
हाथों से। अब इसमें हम आटा लगा लेंगे। आटा लगाने से ये होता है कि हाथों में चिपकता नहीं है। इस तरह हम बना लेंगे। इसमें सत्तू का आटा भर देंगे। वन टीस्पून के करीब हमने सत्तू का आटा भर लिए हैं। अब इसको इस तरह हम बना लेंगे। बाकी सभी आटा में हम सत्तू का आटा भर के रख लेंगे। फिर उसके बाद हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं डीप ऑयल में, या तो आप पराठा भी बना सकते हैं इस तरह। इस तरह हम साइड साइड से चिपका के गोलाकार दे देंगे पूरी की तरह। इस तरह ये देखिए दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। हल्के हाथों से हमें बेलन को चलाना है ताकि जो है सत्तू का आटा बाहर ना निकले। इसी तरह हम बाकी भी बेल के रख लेंगे। अब हम ऑयल लगाना स्टार्ट करेंगे। तवा हमने रख दी है गैस पे। अब हम सत्तू का पराठा रख रहे हैं, इसको ऑयल लगा के सेक लेंगे पराठा को। तो लीजिए दोस्तों सत्तू का पराठा बन गया एक। इसी तरह हम बाकी का भी सत्तू का पराठा हम सेक के ऑयल लगा के बना लेंगे।
लीजिए दोस्तों, सत्तू का पराठा बनके तैयार है। तो आपको यह सत्तू का पराठा की रेसिपी कैसा लगा कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।